अस्सलाम वालेकुम जी, आज संडे है और दूसरा दसवां दिन आज हमारा घर में बंद हुए, यानी कि अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग बंद है। आज सिर्फ मैं आपको चिकन चाइनीज वेजिटेबल बिरयानी के साथ साथ थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टी के हवाले से बताऊंगा, जो कि मेरा काम है, उसके बारे में बात करेंगे कि आगे इस क्वारंटाइन के, इस कोरोना के जो असरात इनके खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी किस तरफ जाएगी। तो मेरे साथ रहिएगा और मैं आपके लिए आज बनाने जा रहा हूँ चाइनीज चिकन वेजिटेबल बिरयानी, जिसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा, कुछ आलू चाहिए होंगे दो अदद, उसके अलावा हमारे पास वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास होंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, बंद गोभी और उसके अलावा गाजरें। इनको हम लाइट फ्राई कर लेंगे, पहले इन सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम मजीद जो है शुरू। सबसे पहले चूल्हा ऑन करेंगे और चूल्हा ऑन करने के बाद हम यूज करेंगे ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा ज़रा पतीली खुश्क हो जाए। और सबसे पहले हम वेजिटेबल्स जो हैं इनको मतलब हाफ फ्राई कर लेंगे। इसमें शलजम है, बंद गोभी है और मेरे पास यहाँ पे गाजरें हैं। इन चीज़ों को हम पहले थोड़ा सा करेंगे फ्राई करेंगे, लाइट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस। और मज़े की बात, इसके अंदर सिर्फ तीन मसाले डालेंगे, चाइनीज़ नमक, नॉर्मल नमक और काली मिर्च। Knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I go, never let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be. एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है चिकन चाइनीज वेजिटेबल बिरयानी, और मुझे इतनी क्यों पसंद है, आप लोगों के लिए क्यों बना रहा हूँ। ये मैं तकरीबन अपने बचपन से खाता आ रहा हूँ। जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं, बाजत रोड पे बुखारी मार्केट है, वहाँ पे एक अंकल लगाया करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, काफ़ी अच्छे से वो बंद हो चुकी है उनके लिए, जो स्पेशल जो बनाते थे। इसके साथ एक स्पेशल सैलड बनता है, रशियन सैलड टाइप का कुछ होता है, वो इसकी खास बात है। चाइनीज चावल तो हर कोई बना लेता, लेकिन जो उसके साथ सैलड बनता था स्पेशल, वो था जिसकी वजह से इसको खाने का मजा आता था। अब उसको बना के दोबारा से, मैंने काफी दफा बनाया लेकिन आज मैं काफी अरसे बाद दोबारा बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, ऑयल के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आलू और साथ में चिकन, मैंने बॉईल करके इसको रेशो में कर लिया था। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चाइनीज सॉल्ट, नमक,
और काली मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये तकरीबन 2.5 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया, पूरा 3 गिलास ही कर दिया है। नमक टेस्ट कर लें, नमक कम है, नमक थोड़ा और डाल लें। और इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। जब तक ये बॉयल हो रहा है या बन रहा है, तो हम तब तक बात कर रहे थे प्रॉपर्टी की, कि प्रॉपर्टी की ये जो अभी सूरत हाल चल रही है, इसके बाद क्या हालात है। जो मेरा एनालिसिस कहता है उसके मुताबिक तो प्रॉपर्टी डाउन जाएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बायर नहीं होगा। और जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी वो उसमें बहुत फर्क होगा, क्योंकि लोगों को फॉरन से पैसे चाहिए होंगे खर्च करने के लिए, क्योंकि अभी काम कोई नहीं हो रहा, कारोबार कोई नहीं हो रहा, लोग घरों में मशहूर हैं, कहीं जाना नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी तक जो सेविंग्स थी वो यूज होंगी, फिर जो लोगों के पास आएगी, अगर कोई डिमांड आएगी या सप्लाई होगी, तो वो लो प्राइस के ऊपर होगी बजाय के हाई के ऊपर, क्योंकि अभी क्योंकि टर्न होना था मार्केट में, प्राइसेस हाई जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो आफत हम पे थोप दी गई या आ गई हमारे ऊपर, क्योंकि अभी जितने भी आ रहे हैं कि ये लैब जनरेटेड वायरस है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये है कि एक उम्मीद करते हैं कि ऐसे रेव्यूज अच्छे होंगे। लेकिन फौरी बाद जो एक महीना होगा उसके अंदर मार्केट जो है वो डाउन होगी बजाय के हाई के, प्राइसेस प्लॉट्स के, घरों के, हर चीज़ के आपको लो मिलेंगे। अभी जैसा मार्केट के अंदर चीज़ें कम प्राइसेस पे आना शुरू हो गई हैं, दूध के रेट गिर गए, पेट्रोल के रेट गिर गए, हर चीज़ के रेट डाउन आते जा रहे हैं, क्योंकि जो पेरिशेबल चीज़ें हैं, जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, उनको लोग निकाल रहे हैं कि जल्द से जल्द बिक जाए उनके पास से। और अभी कराची के अंदर जो दूध का रेट चल रहा है वो 60 रुपये किलो चल रहा है। अगर ये अभी हो सकता तो पहले क्यों नहीं हो सकता था, अगर पेट्रोल अभी नीचे आ सकता तो पहले क्यों नहीं आ सकता था, चीज़ें अभी सेटल हो सकती तो पहले क्यों नहीं हो सकती थी। हम बजाय किसी आफत का इंतजार करते हैं, अगर अभी तो ये मौका नहीं मिला, वरना लोगों ने प्राइसेस बढ़ा देनी थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जो पेरिशेबल चीज़ें हैं, लोग समझ आ गई कि ये दुकानदारों को कि ये नहीं चल सकती, तो लिहाजा वो अब जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अब हम मूव करते हैं वापस अपने खाने की तरफ। चावल, चावल मैंने 2-3 कप बनाया, शायद 2 कप, बेगम ने निकाल के लिए पता नहीं कितने कप, उसको पता होता है ना कितने पकाने हैं। चावल हमने डाल दिए इसके अंदर, अब ये है कि अब हम इसको छोड़ देंगे, और ये जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी ये हम डालेंगे लास्ट में, ताकि ये इनका जो क्रंच है वो ख़त्म ना हो। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देके आँच थोड़ी हल्की करके कोई काम करते हैं। तब तक हम ये है कि आपको मैं वो चीज़ बताता हूँ जिसकी वजह से ये चावल स्पेशल बनते हैं, और मेरे बेटे को मोहम्मद आर्यन को बहुत पसंद है, और उसने स्पेशल कहा बाबा मुझे वो बना के दो, तो मैं वो बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए हमें चाहिए दही, मायोनीज और बंद गोभी, ये वो चीज़ें हैं जिनसे ये आपका स्पेशल बनेगा, वो चीज़ जिसके लिए ये जाना जाता है। सबसे पहले हम इसमें योगर्ट डालेंगे,
चटनी डाला, अब इसके अंदर मायोनीज डालेंगे, दही और मायोनीज डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक के बाद हम डालेंगे काली मिर्च, और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। ये वो चीजें थी जिनसे बनेगा, मुझे पानी देना, इसका सैलेड जो कि हम इसके साथ खाएंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि कराची का दही बहुत सख्त होता है। मिल्क स्लीप एट नाइट एंड मॉर्निंग गेट टाइम, यहाँ का दही बहुत सख्त होता है। ये वो चीज है जो इन चावलों के साथ खाई जाती है स्पेशली। और अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, चीज, तो चीज भी डाल सकते हैं, यानी कि पनीर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और उससे भी एक अच्छा टेस्ट आता है। मुझे चीज पसंद नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं ऐड करता। तो उसके बाद ये बन जाएगा हमारा सैलेड जो हम इसके साथ खाएंगे। और ये देखें, ये बहुत जमी होता है, खा के अब दिखाता हूँ मैं आपको। चावल पक चुके हैं, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना ये लवाजमात जो हमने बनाए थे वेजिटेबल्स के, जिसकी वजह से चाइनीज चिकन वेजिटेबल बिरयानी बनती है। इसके बाद हमारे चावल तकरीबन बन गया, अब हम इसको दम लगाएंगे। ये जो चावल हैं वो रेडी हो चुके हैं, और अब हम इसको सर्व करेंगे और बच्चे खा के बताएंगे कि कैसे हैं। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी। और आज देखिए मैंने सफाई भी रखी है, आज मैंने गंदगी नहीं फैलाई। अल्लाह हाफिज़।